डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहा करते थे, कोई भी राष्ट्र सिर्फ अपनी ऊर्जा से ही सुरक्षित रह सकता है। उनका भरोसा था देश के साधनों पर, संसाधनों पर, देश के प्रतिभाशाली लोगों पर। स्वतंत्रता के बाद देश को हताशा से, निराशा से निकालने का उनका विजन आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा दे रहा है। देश के पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री के तौर पर उन्होंने देश की पहली औद्योगिक नीति बनाई। वे कहते थे, अगर सरकार देश के शिक्षण संस्थान और औद्योगिक संगठन मिलकर उद्योगों को बढ़ावा देंगे तो देश बहुत जल्द ही आर्थिक तौर पर भी स्वतंत्र हो जाएगा। शिक्षा से जुड़े क्षेत्र के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, देश की परमाणु नीति को दिशा देने के लिए उन्होंने जो कार्य किया, जो विचार रखे, वो उस दौर की सोच से भी बहुत आगे के थे। देश के विकास में जन भागीदारी का महत्व समझते हुए उन्होंने जो रास्ते सुझाए वो आज भी उतने ही महत्वपूर्ण है। साथियों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहा करते थे कि शासन का पहला कर्तव्य धनहीन, ग्रहहीन जनता की सेवा और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का है। यही वजह है कि देश का उद्योग मंत्री बनने से पहले, जब वो बंगाल के वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो बहुत व्यापक स्तर पर उन्होंने भूमि सुधार का काम किया था। उनका मानना था कि शासन अंग्रेजों की तरह राज करने के लिए नहीं, बल्कि नागरिकों के सपने पूरे करने के लिए होना चाहिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सबसे ज्यादा महत्व शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा को दिया। वो कहते थे कि सरकार को शुरुआती शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक इसके लिए व्यापक सुविधाएं जुटानी चाहिए, युवाओं में छुपी प्रतिभा को निकालने के लिए उचित माहौल बना जाना चाहिए, ताकि हमारे युवा अपने गांव, अपने नगर की सेवा करने के लिए समर्थ बन सके। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन विद्या, वित्त और विकास, विद्या, वित्त और विकास, इन तीन मूलभूत चिंतन से जुड़ी धाराओं का संगम था। यह हमारे देश का दुर्भाग्य रहा कि एक परिवार का महिमा मंडन करने के लिए देश के अनेक सपूतों को और उनके योगदान को जानबूझकर के छोटा कर दिया गया, भुला देने का भरपूर प्रयास किए गए। साथियों, आज केंद्र हो या फिर देश के किसी भी राज्य में चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विजन से अलग नहीं है। चाहे युवाओं के लिए स्किल इंडिया मिशन हो, स्टार्टअप योजना हो, स्वरोजगार के लिए बिना बैंक गारंटी कर्ज देने की सुविधा
देने वाली मुद्रा योजना हो या फिर मेक इन इंडिया हो, इनमें आपको डॉक्टर मुखर्जी के विचारों की झलक मिलेगी। आपका ये राजगढ़ जिला भी अब इसी विजन के साथ पिछड़े होने की अपनी पहचान को छोड़ने जा रहा है।